क्वेश्चन नंबर 21 जो है इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन का क्वेश्चन है. कहा गया था मैग्नेटिक पोटेंशियल एनर्जी स्टोर्ड इन अ सर्टेन इंडक्टर इज 25 मिली जूल व्हेन द करंट इन द इंडक्टर इज 60 मिली एम्पियर दिस इंडक्टर इज ऑफ इंडक्टेंस. तो इंडक्टर का इंडक्टेंस हमें फाइंड करना है. हमें पता है किसी भी इंडक्टर के अंदर जो मैग्नेटिक एनर्जी स्टोर होती है उसको लिखते हैं हाफ एल आई स्क्वायर. एनर्जी स्टोर दिया गया है 25 मिली जूल यानी 25 × 10⁻³ जूल हाफ एल. करंट का वैल्यू है 60 मिली एम्पीयर यानी 60 × 10⁻³ का होल स्क्वायर. तो यहां से एल जो है वो फाइंड कर सकते हैं. एल क्या है? इंडक्टेंस है इंडक्टर का. तो यहां से फाइंड करने से ये आएगा 13.89 हेनरी, है ना. तो ऑप्शन डी जो है वो करेक्ट ऑप्शन आएगा. इसके बाद जो अगला सवाल है इसको देखते हैं. कहा गया एन इलेक्ट्रॉन फॉल्स फ्रॉम रेस थ्रू अ वर्टिकल डिस्टेंस एच इन अ यूनिफॉर्म एंड वर्टिकली अपवर्ड डायरेक्टेड इलेक्ट्रिक फील्ड ई. तो इलेक्ट्रॉन जो है वो निगेटिव चार्ज है, फील्ड ऊपर है तो उस पर फोर्स लगेगा नीचे क्यू ई और एक फोर्स और लगता है एम जी. ये दो फोर्स लगेंगे तो इलेक्ट्रॉन के पास जो एक्सेलरेशन आएगा वो आएगा क्यू ई प्लस एम जी डिवाइडेड बाई एम यानी क्यू ई बाई एम प्लस जी. ये आ जाएगा एक्सेलरेशन. ठीक. आगे कहा गया द डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड इज नाउ रिवर्स्ड कीपिंग इट्स मैग्नीट्यूड द सेम. अ प्रोटॉन इज अलाउड टू फॉल फ्रॉम रेस्ट इन इट थ्रू द सेम वर्टिकल डिस्टेंस एच. द टाइम ऑफ फॉल ऑफ इलेक्ट्रॉन इन कंपेरिजन टू द टाइम ऑफ फॉल ऑफ प्रोटॉन इज. तो कंपेरिजन करना है उनके टाइम ऑफ फ्लाइट का कि कौन जो है ज्यादा टाइम लेगा कौन जो है कम टाइम लेगा. तो अगर जैसे बात करें इलेक्ट्रॉन की, इलेक्ट्रॉन का एक्सेलरेशन ये है तो डिस्टेंस ट्रेवल करना उसको h, h इज इक्वल टू हाफ ए टी स्क्वायर. इनिशियल वेलोसिटी जीरो है क्योंकि रेस से छोड़ा गया है. तो यहां से t का जो वैल्यू आएगा वो आएगा 2h बाई a का रूट. तो अंडर रूट 2h बाई a का वैल्यू रखेंगे क्यू ई बाई एम प्लस जी. बिल्कुल यही इक्वेशन जो है प्रोटॉन के लिए भी वैलिड है. प्रोटॉन के लिए इलेक्ट्रिक फील्ड नीचे हो गया है तो क्यू ई फोर्स नीचे लगेगा और उसका वेट एम जी भी नीचे लगेगा, है ना. तो उसके लिए भी टाइम फ्लाइट यही आएगा. लेकिन दोनों के मास में फर्क है. इलेक्ट्रॉन का मास बहुत कम होता है प्रोटॉन से. तो मास अगर कम है इलेक्ट्रॉन का तो डिनोमिनेटर बहुत बड़ा हो जाएगा यानी टोटल टाइम ऑफ फ्लाइट बहुत ही कम हो जाएगा. तो इलेक्ट्रॉन का टाइम ऑफ फ्लाइट प्रोटॉन के टाइम ऑफ फ्लाइट के कंपेरिजन में बहुत ही छोटा है. तो सी ऑप्शन जो है अकेला एक ऑप्शन है जो उस बात को कहता है कि टाइम ऑफ फॉल ऑफ इलेक्ट्रॉन इज स्मॉलर इन कंपेरिजन टू द टाइम ऑफ फॉल ऑफ प्रोटॉन. तो ऑप्शन सी जो है ये करेक्ट ऑप्शन आएगा. क्वेश्चन नंबर 23 देखेंगे कि कैपेसिटर का सवाल है. कहा गया द इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स बिटवीन द मेटल प्लेट्स ऑफ एन आइसोलेटेड पैरेलल प्लेट कैपेसिटर सी हैविंग अ चार्ज क्यू एंड एरिया ए इज. कई सारे ऑप्शंस दिए गए हैं, है ना. तो हमें पता है कि जो अगर पैरेलल प्लेट कैपेसिटर है तो ये फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बिटवीन द प्लेट्स निकालना हो तो एक की वजह से दूसरे के पास इलेक्ट्रिक फील्ड लिखते हैं. अगर इस पर जैसे प्लस क्यू चार्ज है, इस पर माइनस क्यू चार्ज है ना. तो केवल इसकी वजह से यहां पर फील्ड आएगा क्यू बाई टू ए एप्सिलॉन नॉट. इसकी वजह से यहां पर ये फील्ड आता है. एक्चुअली में होता है सिग्मा बाई टू एप्सिलॉन नॉट. क्यू बाई ए सिग्मा है बाई टू एप्सिलॉन नॉट. सिग्मा होता है सरफेस डेंसिटी. तो इसकी वजह से यहां पर इलेक्ट्रिक फील्ड इतना है. अगर इस चार्ज से मल्टीप्लाई कर दें, है ना, तो ये आ जाएगा इस पर अट्रैक्शन फोर्स. उस तरह से इसके वजह से इसको इस पर भी निकालेंगे तो यही आएगा. तो फोर्स का जो वैल्यू आया वो आया है क्यू स्क्वायर बाई टू ए एप्सिलॉन नॉट. चूंकि ये आइसोलेटेड कैपेसिटर है ऐसा कहा गया है, तो आइसोलेटेड कैपेसिटर है तो चार्ज तो इसका फिक्स्ड ही रहेगा. तो चार्ज क्यू फिक्स्ड रहेगा. और देखेंगे इसमें सेपरेशन बिटवीन द प्लेट्स कोई फैक्टर नहीं है. एरिया है, एप्सिलॉन नॉट है, क्यू है. तो डी जो है वो फैक्टर नहीं है. तो
जो सेपरेशन बिटवीन द प्लेट्स है उससे ये फोर्स इनडिपेंडेंट है ना। तो यहां पर जैसे एक ऑप्शन सी दिया गया है, कहा गया इनडिपेंडेंट ऑफ द डिस्टेंस बिटवीन द प्लेट्स, तो ये वाला जो ऑप्शन है ये सही है। और बाकी देखेंगे कुछ ना कुछ गलत होगा, जैसे कि सी में कहा गया प्रोपोर्शनल टू स्क्वायर ऑफ रूट स्क्वायर ऑफ द डिस्टेंस, तो डिस्टेंस का बात करा गया हो तो किसी तरह से चाहे प्रोपोर्शनैलिटी बताया गया हो तो गलत है ना। इन तीनों में प्रोपोर्शनल या इनवर्सली प्रोपोर्शनल बताया गया है, एक्चुअली मैं डी पर डिपेंड ही नहीं करता, तो ए बी डी गलत हो गए और सी सही है क्योंकि ये बता रहा है कि ये डी यानी दोनों प्लेट्स के बीच का सेपरेशन से इनडिपेंडेंट होता है। इसके बाद अगला सवाल, ये रेजोनेंस ट्यूब में सर जो हम लोग पढ़ते हैं साउंड में उससे रिलेटेड सवाल है। कहा गया अ ट्यूनिंग फॉर्क इज यूज्ड टू प्रोड्यूस रेजोनेंस इन अ ग्लास ट्यूब, द लेंथ ऑफ द एयर कॉलम इन दिस ट्यूब कैन बी एडजस्टेड बाय अ वेरिएबल पिस्टन एट रूम टेम्परेचर 27 डिग्री सेल्सियस, टू सक्सेसिव रेजोनेंसेज आर प्रोड्यूस्ड एट 20 सेंटीमीटर एंड 73 सेंटीमीटर ऑफ कॉलम लेंथ, इफ द फ्रीक्वेंसी ऑफ द ट्यूनिंग फॉर्क इज 320 हर्ट्ज, द वेलोसिटी ऑफ साउंड इन एयर एट 27 डिग्री सेल्सियस इज। तो रेजोनेंस ट्यूब मेथड में क्या करते हैं, एक ट्यूब होता है जिसमें कि लिक्विड भरा होता है, वाटर भरा होता है ना, और ये वाटर का हाइट हम चेंज कर सकते हैं ठीक। तो फंडामेंटल मोड में क्या होता है, ये इस तरह से ये क्लोज ऑर्गन पाइप जैसा बिहेव करता है और ये जो लेंथ आता है वो लेंथ आता है लैम्डा बाई 4 के इक्वल है ना। उसी तरह से जो दूसरा रेजोनेंस आता है उसमें क्या होता है, ये कुछ इस तरह से वाइब्रेट कर रहा होता है ना। तो ये जो डिस्टेंस होता है ये 3 लैम्डा बाई 4 होता है, ये हो गया L2। तो यहां पर पहला रेजोनेंस और दूसरा रेजोनेंस का लेंथ यानी L1 L2 दिया गया है 20 और 73 ठीक। तो अगर मैं L2 में से L1 माइनस करूं, L2 माइनस L1, L2 3 लैम्डा बाई 4 है और L1 लैम्डा बाई 4 है ना, तो दोनों का डिफरेंस आएगा 2 लैम्डा बाई 4 यानी कि लैम्डा बाई 2। तो लैम्डा का वैल्यू आया 2 इंटू L2 माइनस L1। अगर ये लैम्डा है तो स्पीड ऑफ साउंड जो होता है ये होता है एन लैम्डा, एन फ्रीक्वेंसी होता है, फ्रीक्वेंसी यहां पर दिया गया है ना, तो एन इंटू टू लैम्डा का वैल्यू एल टू माइनस एल वन, तो ये फ्रीक्वेंसी और एल टू एल वन सब दिया हुआ है इस क्वेश्चन में। तो स्पीड ऑफ साउंड हम लोग फाइंड कर सकते हैं, एन का वैल्यू है 320 इंटू टू, एल टू दिया गया है 73 सेंटीमीटर, तो 73 माइनस एल वन जो है ये 20 सेंटीमीटर है इंटू 10^-2, मैंने मीटर में कन्वर्ट कर दिया मीटर पर सेकंड में, तो ये है देखेंगे आप आएगा 339 मीटर पर सेकंड, अप्रोक्सीमेटली ये इतना आ जाएगा है ना। तो ऑप्शन बी जो है ये इसमें सही ऑप्शन है। नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं जो कि सिंपल हार्मोनिक मोशन का क्वेश्चन है। कहा गया अ पेंडुलम इज हंग फ्रॉम द रूफ ऑफ अ सफिशियंटली हाई बिल्डिंग एंड इट इज मूविंग फ्रीली टू एंड फ्रो लाइक सिंपल हार्मोनिक ऑसिलेटर, द एक्सेलरेशन ऑफ द बॉब ऑफ द पेंडुलम इज 20 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर एट ए डिस्टेंस ऑफ 5 मीटर फ्रॉम द मीन पोजिशन, देन फाइंड द टाइम पीरियड ऑफ ऑसिलेशन। तो हमें पता है कि अगर सिंपल पेंडुलम का जो लेंथ है ये बहुत बड़ा हो तो इस ऑसिलेशन को एक तरह से लीनियर एसएचएम जैसा ट्रीट करा जा सकता है ना। तो जब मीन पोजीशन से एक्स डिस्टेंस पर ये बॉब होगा तो इसका एक्सेलरेशन होता है माइनस ओमेगा स्क्वायर एक्स। अगर केवल मैग्नीट्यूड की बात करें तो माइनस हटा देंगे, एक्सेलरेशन दिया गया है यहां पर 20 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर इज इक्वल टू ओमेगा स्क्वायर इंटू एक्स, एक्स का मतलब है पोजीशन, मीन पोजीशन से डिस्टेंस जो कि 5 मीटर दिया है, तो यहां से ओमेगा का वैल्यू आ गया 2 है ना। और हमें पता है ये जो एंगुलर फ्रिक्वेंसी होता है ओमेगा इसकी वैल्यू होती है 2π बाई टाइम पीरियड, 2 और 2 कैंसिल हो जाएगा तो टाइम पीरियड का वैल्यू आ गया पाई सेकेंड। देखेंगे जो सेकेंड ऑप्शन है ये करेक्ट ऑप्शन है, पाई सेकेंड दिया हुआ है। इसके बाद अगले सवाल पर आते हैं है ना। इसमें कहा गया अ मेटेलिक रॉड ऑफ मास पर यूनिट लेंथ
0.5 kg per meter is lying horizontally on a smooth inclined plane which makes angle 30 degree with horizontal. तो ये जो इंक्लाइन प्लेन है ये कुछ ऐसा है जिसका इंक्लिनेशन है 30 डिग्री. इस पर जो रॉड है उसको हॉरिजॉन्टली रखा गया. हॉरिजॉन्टली का मतलब है ये इंक्लाइन प्लेन है तो ये ऐसे कुछ रखा गया होगा, है ना, ऐसे. मतलब जिसका सर्कुलर क्रॉस सेक्शन हमें दिख रहा है इसका लेंथ जो है बोर्ड के परपेंडिकुलर है, ऐसे रखा गया है. ठीक. अब इसमें कहा गया द रॉड इज नॉट अलाउड टू स्लाइड डाउन बाई flowing a current through it. इसमें current flow कर रहा है when it is current through it when a magnetic field of induction 0.25 tesla is acting on it in the vertical direction, है ना. तो यहां पर जो magnetic field है वो ऊपर की तरफ है ना, जो कि vertical direction हो गया. कहा गया the current flowing in the rod to keep it stationary. अब इस पर दो तरह के फोर्सेस लगेंगे, एक तो एम जी लगेगा नीचे, है ना, और इस पर मैग्नेटिक फोर्स लगेगा. कैसे? वो हॉरिजॉन्टली इधर लग सकता है आई एल इंटू बी, है ना. आप देख सकते हैं करंट जो है, अगर करंट अंदर की तरफ जा रहा हो मैग्नेटिक फील्ड ऊपर हो, है ना, तो एल फोर्स जो होता है मैग्नेटिक फोर्स हम लोग लिखते हैं आई एल क्रॉस बी. तो एल क्रॉस बी, एल अंदर है बी ऊपर है, एल क्रॉस बी का डायरेक्शन इधर आएगा. तो ये हो गया मैग्नेटिक फोर्स और ये मैग्नेटिक फील्ड. अगर ये एंगल 30 है तो ये भी 30 होगा, है ना, और ये 60 हो जाएगा, फिर ये 30 हो जाएगा. तो mg का कंपोनेंट इधर आएगा mg साइन थीटा और ilb जो मैग्नेटिक फोर्स इसका कंपोनेंट इधर आएगा ilb कॉस थीटा, है ना. अगर ये दोनों फोर्स इक्वल हो गए, एम जी का कॉम्पोनेंट और मैग्नेटिक फील्ड का फोर्स का कॉम्पोनेंट, तो ये इक्विलिब्रियम में बना रहेगा. तो ये आएगा आई एल बी कॉस थीटा इज इक्वल टू एम जी साइन थीटा, है ना. तो आई इज इक्वल टू एम बाई एल इंटू जी बाई बी इंटू टेन थीटा. अब देखेंगे ये मास पर यूनिट लेंथ है जो कि क्वेश्चन में दिया गया है 0.5 केजी पर मीटर. जी का वैल्यू हम लोग रखेंगे 9.8, क्योंकि जी का वैल्यू अगर नहीं बताया गया तो एक्यूरेट वैल्यू हमें रखना चाहिए, 10 नहीं रखना चाहिए. 9.8 डिवाइडेड बाय मैग्नेटिक फील्ड दिया गया है 0.25 टेस्ला इंटू थीटा 30 डिग्री दिया हुआ है इंक्लिनेशन, तो टेन 30 डिग्री होता है 1/√3. जब आप इसको सोल्व करेंगे तो ये आएगा 11.32 एम्पियर, है ना. तो देखेंगे यहां पर जो ऑप्शन डी है ये करेक्ट ऑप्शन है ना. नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं. ये जो क्वेश्चन है 27, कहा गया अ थिन मेटालिक रॉड इज प्लेस वर्टिकली बिटवीन द पोल्स ऑफ एन इलेक्ट्रोमैग्नेट. व्हेन द करंट इन द इलेक्ट्रोमैग्नेट इज स्विच्ड ऑन then the diamagnetic rod is pushed up out of the horizontal magnetic field. कहने का मतलब ये है कि वहां पर इलेक्ट्रोमैग्नेट की वजह से हॉरिजेंटल डायरेक्शन में मैग्नेटिक फील्ड है. जब उस कंडक्टर में जो मेटेलिक रॉड है उसमें जब करंट फ्लो कराने लगते हैं तो वो ऊपर की तरफ खिसक जाता है ना. फिर कहा गया कि ऊपर खिसकने से हेंस द रॉड गेन्स ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी. ऊपर खिसकने से उसके बाद ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी आ गई. तो पूछा गया द वर्क रिक्वायर्ड टू डू दिस कम्स फ्रॉम, मतलब ऊपर जाने से पोटेंशियल एनर्जी बढ़ी है तो पोटेंशियल एनर्जी बढ़ाने के लिए कुछ ना कुछ वर्क हुआ होगा. वो वर्क किसकी वजह से हुआ होगा? तो हमें पता है कि मैग्नेटिक फील्ड जो है वो चार्ज पर वर्क नहीं करता. चार्ज की वेलोसिटी के परपेंडिकुलर हमेशा लगता है मैग्नेटिक फोर्स, इसलिए मैग्नेटिक फोर्स कभी वर्क नहीं करता. तो बचता क्या है? इलेक्ट्रिक फोर्स बचता है, है ना, क्योंकि बैटरी सोर्स है तो वो कोई इलेक्ट्रिक फील्ड क्रिएट किया होगा और वो चार्ज पर फोर्स लगाएगा जिसकी वजह से वो ऊपर जा रहा है. तो इसमें देखेंगे जो ऑप्शन सी है ये सबसे सही आंसर है. करेंट सोर्स मतलब जो बैटरी है वो वर्क करके उसको ऊपर की तरफ खिसका रहा है, यानी ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी बढ़ा रहा है.
इसलिए सी ऑप्शन जो है वो सही ऑप्शन होगा। इसके बाद अगले आते हैं क्वेश्चन नंबर 28 पर, जो कि अल्टरनेटिंग करंट चैप्टर से है। कहा गया एन इंडक्टर 20 मिली हेनरी, अ कैपेसिटर 100 माइक्रोफैराड एंड अ रेजिस्टर 50 ओम आर कनेक्टेड इन सीरीज अक्रॉस सोर्स ऑफ ईएमएफ V इज इक्वल टू 10 साइन 314 t, द पावर लॉस इन द सर्किट इज, हमें पता है कि जो पावर लॉस होता है वो केवल रेजिस्टेंस में होता है, कैपेसिटर और इंडक्टर में कोई पावर लॉस नहीं होता है, है ना। तो इस पावर लॉस को हम लोग लिख सकते हैं आई आर एम एस स्क्वायर इंटू आर, आई आर एम एस को लिखा जा सकता है ई आर एम एस डिवाइडेड बाई आर का होल स्क्वायर, या ऐसे लिख देते हैं हाँ ई आर एम एस का होल स्क्वायर डिवाइडेड बाई जेड, आई आर एम एस ई आर एम एस बाई जेड होता है। जेड क्या है यहां पर, इम्पीडेंस है इंटू आर। तो पहला काम तो हमारा ये होगा कि यहां पर इम्पीडेंस निकालें जेड, जो कि होता है आर स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर, एक्स का मतलब होता है 1 बाई ओमेगा सी माइनस ओमेगा एल, ये रिएक्टेंस है। तो आर जो है यहां पर दिया गया है 50 ओम प्लस 1 बाई ओमेगा देखेंगे 314 है, और सी जो कैपेसिटेंस है 100 माइक्रोफेराड, 100 इंटू 10 टू द पावर माइनस 6 माइनस फिर से ओमेगा आया 314 इंटू, इंडक्टेंस दिया गया है यहां पर 20 मिली हेनरी, 20 इंटू 10 टू द पावर माइनस 3 ठीक, इसका होल स्क्वायर ठीक है, और फिर रूट निकालेंगे तो ये आएगा लगभग 56 ओम, ये जेड हो गया। तो जेड की वैल्यू इसमें हम लोग डाल सकते हैं, है ना। ई आर एम एस क्या आएगा, ये तो एक्चुअली में ई नॉट है, एक तरह से पीक वैल्यू है, तो पीक वैल्यू में रूट टू से डिवाइड करेंगे तो ये आएगा ई आर एम एस डिवाइडेड बाई जेड की वैल्यू 56 रख देंगे, इसका होल स्क्वायर इंटू जो रेजिस्टेंस है वो है 50। तो यहां से देखेंगे ये जो वैल्यू आएगा, ये आएगा 0.79 वाट, यानी ऑप्शन सी जो है ये करेक्ट आंसर है इसका। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, जो कि करंट इलेक्ट्रिसिटी में हम लोग इलेक्ट्रिकल इंस्ट्रूमेंट्स के बारे में पढ़ते हैं उससे रिलेटेड सवाल है। कहा गया करंट सेंसिटिविटी ऑफ अ मूविंग कॉइल गैल्वेनोमीटर इज 5 डिवीजन्स पर मिली एम्पियर, इसका मतलब ये हुआ कि जो गैल्वेनोमीटर में जो डिवीजन्स बने होते हैं, है ना ऐसे, तो इसके अंदर 5 या 10 कुछ बने होंगे, तो आप देख सकते हैं कि अगर 1 मिली एम्पियर इसमें से करंट फ्लो करेगा तो 5 डिवीजन जो है नीडल डिफ्लेक्ट होता है। इसका मतलब यह हुआ कि 1 मिली एम्पियर करंट फ्लो कराएंगे तो 5 डिवीजन से नीडल जो है खिसक जाएगा, 2 मिली एम्पियर करंट फ्लो कराएंगे तो 10 डिवीजन जो है उधर खिसकेगा इसी तरह से। एंड इट्स वोल्टेज सेंसिटिविटी इज 20 डिवीजन पर वोल्ट, 1 वोल्ट पोटेंशियल डिफरेंस अप्लाई करेंगे तो 20 डिवीजन इसमें से खिसकेगा ये नीडल, है ना। एक्चुअली में क्या होता है, ये एंगुलर डिफ्लेक्शन पर यूनिट वोल्टेज अप्लाइड करते हैं इसको, सिंपल जो है इससे बेटर ये जो है, ये जो टर्म दिया हुआ है ये एक्सप्लेन करता है कि वोल्टेज सेंसिटिविटी क्या है, 20 डिवीजन पर वोल्ट, यानी यहां पर जो पोटेंशियल डिफरेंस है, है ना, अगर पोटेंशियल डिफरेंस 1 वोल्ट का होगा तो ये 20 डिवीजन जो है ये खिसकता है ठीक। अभी हमने क्या देखा कि 1 मिली एम्पियर करंट फ्लो करता है तो 5 डिवीजन खिसकता है, है ना। अगर 20 डिवीजन खिसकाना है तो 4 मिली एम्पियर करंट चाहिए, है ना, 5 डिवीजन्स पर मिली एम्पियर, इसको कहा जा सकता है 20 डिवीजन्स पर 4 मिली एम्पियर, मतलब 4 मिली एम्पियर करंट फ्लो करेगा तो इतना डिवीजन जो है खिसकेगा ठीक। और वोल्टेज सेंसिटिविटी कहता है 20 डिवीजन्स पर वोल्ट, मतलब कि 1 वोल्ट का पोटेंशियल डिफरेंस होगा तो 20 डिवीजन खिसकेगा। हमें पता है ओम्स लॉ से कि जो V होता है यानी पोटेंशियल डिफरेंस जो होता है वो होता है I इंटू
आर पूछा गया है द रेजिस्टेंस ऑफ गैल्वेनोमीटर. आर जो है यहां पर पोटेंशियल डिफरेंस जो है आप देख सकते हैं कि जब पोटेंशियल डिफरेंस एक वोल्ट है तो करंट 4 मिली एम्पीयर का फ्लो कर रहा होगा और 20 डिवीजन का रीडिंग दिखा रहा होगा, है ना. तो वोल्टेज जो है वो 1 वोल्ट है जबकि करंट जो है 4 मिली एम्पीयर, 4 × 10⁻³ एम्पीयर, और जो रेजिस्टेंस है वो गैल्वेनोमीटर का रेजिस्टेंस, इसको मैं जी लिख देता हूं, गैल्वेनोमीटर का रेजिस्टेंस. तो जी की जो वैल्यू आएगी वो आएगी 1/4 × 10⁻³, यानी ये हो जाएगा 1000 / 4, दैट इज 250 ओम. तो गैल्वेनोमीटर का जो रेजिस्टेंस है वो आ गया 250 ओम, यानी कि पहला ऑप्शन सही ऑप्शन है. अगले सवाल पर आते हैं, मैकेनिक्स का सवाल है सर्कुलर मोशन से. कहा गया ए बॉडी इनिशियली एट रेस्ट एंड स्लाइडिंग अलोंग अ फ्रिक्शनलेस ट्रैक फ्रॉम अ हाइट h एज शोन इन फिगर. ये फिगर है, ये एक इंक्लाइंड प्लेन है, तो यहां से एक पार्टिकल जो है वो स्लाइड करता है, ठीक. जस्ट कंप्लीट्स अ वर्टिकल सर्किल ऑफ डायमीटर AB इज इक्वल टू D. देखेंगे यहां पर एक सर्कुलर ट्रैक दिया गया है, तो इसको जस्ट कंप्लीट करता है. जस्ट कंप्लीट करने के लिए ये डायमीटर D दिया गया है, तो इसका जो रेडियस होगा वो होना चाहिए D/2. तो पूछा गया द हाइट h इज इक्वल टू, ये जो h है उसकी वैल्यू बतानी है. तो हमें पता है कि किसी भी सर्किल को कंप्लीट करने के लिए मिनिमम वेलोसिटी जो जरूरत होती है वो होता है √5gr. ये होता है. अभी जब ये यहां से यहां जाएगा तो इसकी वेलोसिटी यहां पर जीरो थी, h हाइट नीचे आ गया, तो इसकी वेलोसिटी यहां पर आएगी √2gh, ठीक है. ये आप एनर्जी कंजर्वेशन या वर्क एनर्जी थ्योरम से निकाल सकते हैं. जैसे यहां से यहां गया तो इसकी पोटेंशियल एनर्जी कितनी घटी, mgh. काइनेटिक एनर्जी कितनी बढ़ी, ½mv², जितनी पोटेंशियल एनर्जी घटी उतनी काइनेटिक एनर्जी बढ़ी. तो v का वैल्यू कितना आया, √2gh. यही वेलोसिटी हमने यहां पर लिखा है. तो ये जो वेलोसिटी है नीचे आने से जो वेलोसिटी आई है, अगर ये वेलोसिटी इसके इक्वल हो गई तो ये सर्किल को जस्ट कंप्लीट करेगा. मतलब ये कहा जा सकता है ये और ये इक्वल होना चाहिए, यानी 2gh, ये भी रूट के अंदर है, ये भी रूट के अंदर है, शुड बी इक्वल टू 5gr. g और g कैंसिल हो गया, 5 रेडियस को लिख सकते हैं डायमीटर बाय 2, तो h का वैल्यू आएगा 5d/4. एक 2 पहले से है और एक 2 ये आएगा, तो हाइट जो है वो 5 × diameter/4 हो जाएगा. तो देखेंगे ऑप्शन डी जो है यहां पर सही आंसर है. अगले सवाल पर आते हैं जो कि रोटेशन का सवाल है. इसमें कहा गया 3 ऑब्जेक्ट्स, ए इज अ सॉलिड स्फीयर, बी इज अ थिन सर्कुलर डिस्क एंड सी इज अ सर्कुलर रिंग, ईच हैव द सेम मास एम एंड रेडियस आर. They all spin with the same angular speed omega about their own symmetry axis. The amount of work required to bring them to rest would satisfy the relation. आप देख सकते हैं कि अगर इनको रोकना है तो रोकने के लिए हमें कितना वर्क करना पड़ेगा, जितनी उनकी काइनेटिक एनर्जी है. वर्क एनर्जी थ्योरम से जो वर्क डन होगा वो चेंज इन काइनेटिक एनर्जी के इक्वल होना चाहिए. तो जिसकी काइनेटिक एनर्जी ज्यादा होगी उस पर वर्क भी ज्यादा करना पड़ेगा, जिस काइनेटिक एनर्जी कम होगी उस पर वर्क कम करना पड़ेगा. तो अगर हम बात करें काइनेटिक एनर्जी की, है ना, तो काइनेटिक एनर्जी चूंकि यहां पर केवल रोटेशन हो रहा है, ट्रांसलेशन नहीं हो रहा है, फिक्स्ड एक्सिस के ओर रोटेट कर रहे हैं, तो यहां पर ½i⍵² जो है ये वाला फॉर्मूला यूज करेंगे. चूंकि ए जो है सॉलिड स्फीयर है तो मोमेंट ऑफ इनर्शिया आएगा 2/5mr² × ⍵², है ना. उसी तरह से बी जो है ये डिस्क है, डिस्क का मोमेंट ऑफ इनर्शिया आएगा इस तरह से, डिस्क का मोमेंट ऑफ इनर्शिया होता है mr² / 2, ठीक. उसके बाद तीसरा रिंग है, तो रिंग का मोमेंट ऑफ इनर्शिया mr² होता है, ठीक. तो आप देख सकते हैं कि इन तीनों में सबसे कम जो है वो ये वाला है, ये क्या है 1/5,
है ना, 1/5 है, ये है 1/4 और ये है 1/2, मतलब एम ओमेगा स्क्वायर आर स्क्वायर तो सब में है, ये 1/5 टाइम्स है, 1/4 टाइम्स, 1/2 टाइम्स, तो सबसे ज्यादा जो है काइनेटिक एनर्जी रिंग वाले केस तीसरे वाले की है, तो उसमें वर्क भी हमें ज्यादा करना पड़ेगा, उससे कम ये वाला है तो इसमें भी हमें वर्क इससे थोड़ा सा कम करना पड़ेगा, इसमें काइनेटिक एनर्जी सबसे कम है तो उसमें सबसे कम वर्क करना पड़ेगा, वर्क डन इन ए, ऐसा ऑप्शन देखेंगे जो ऑप्शन सी है यहां पर दिया गया है, मतलब रिंग में सबसे ज्यादा वर्क करना पड़ेगा, डिस्क में उससे थोड़ा सा कम, और जो सॉलिड स्फीयर है उसमें सबसे कम वर्क करना पड़ेगा। इसके बाद अगले सवाल पर आते हैं जो कि कोलिजन से रिलेटेड है। कहा गया अ मूविंग ब्लॉक हैविंग मास एम कोलाइड्स विद अनदर स्टेशनरी ब्लॉक, ध्यान रखना है स्टेशनरी ब्लॉक हैविंग मास 4m, द लाइटर ब्लॉक कम्स टू रेस्ट आफ्टर कोलिजन, व्हेन द इनिशियल वेलोसिटी ऑफ द लाइटर ब्लॉक इज v, देन द वैल्यू ऑफ कोएफिशिएंट ऑफ रेस्टिट्यूशन e विल बी। तो हमें पता है कि अगर दो बॉल्स, जैसे कि ये जा रहा है u से, v दिया हुआ है यहां पर, और ये जो है रेस्ट पर है, ठीक, तो कोलिजन के बाद इनकी वेलोसिटी होती है कुछ v1 और v2। तो v1 v2 के लिए हमने एक फॉर्मूला डिराइव किया हुआ है, आप मेरा वीडियो देखेंगे तो उसमें मिलेगा कि जो v1 है कोलिजन के बाद पहले वाले ऑब्जेक्ट का वेलोसिटी, कोलिजन के बाद क्या आता है, वो आता है m1 माइनस em2 इनटू, ये जो v है ये रखेंगे, एक्चुअली में u1 आता है तो u1 के जगह पर v है, यहां पर m1 प्लस m2 प्लस m2 1 प्लस ई u2 आता है, u2 यहां पर 0 है, डिवाइडेड बाई m1 प्लस m2, ठीक। तो यहां पर देखेंगे कि ये जो v1 है ये 0 दिया गया है, जो पहला जो बॉल था ब्लॉक था वो कोलिजन के बाद रुक जाता है, तो यानी v1 हो गया 0, ये टर्म तो पहले से ही 0 है क्योंकि यहां 0 वेलोसिटी थी, ये 0 तब होगा जब ये न्यूमरेटर 0 हो जाए, यानी m1 माइनस em2 शुड बी 0, m1 दिया गया है m और m2 दिया गया है 4m, तो यहां से e का जो वैल्यू है आ जाएगा 1/4 यानी 0.25, तो देखेंगे ऑप्शन बी जो है वो एग्जैक्टली 0.25 दिया है, तो ये करेक्ट ऑप्शन हो गया। क्वेश्चन नंबर 35 आप देखेंगे कि न्यूटन्स लॉज ऑफ मोशन से रिलेटेड सवाल है, और ये सवाल जो है मेरे वीडियो लेक्चर में मिल जाएगा जो कि इलस्ट्रेशन में सवाल कराया हुआ है। इस क्वेश्चन में कहा गया ए ब्लॉक ऑफ मास एम इज प्लेस्ड ऑन ए स्मूथ इंक्लाइंड वेज एबीसी ऑफ इंक्लिनेशन थीटा एज शोन इन द फिगर, यहां पर वेज दिखाया गया है जिसका इंक्लिनेशन थीटा है, इसके ऊपर एक ब्लॉक रखा है एम मास का, और इस वेज को ए एक्सेलरेशन से आगे चलाया जा रहा है। कहा गया द वेज इज गिवेन एन एक्सेलरेशन ए टूवर्ड्स राइट, द रिलेशन बिटवीन एक्सेलरेशन ए एंड थीटा फॉर द ब्लॉक टू रिमेन स्टेशनरी ऑन द वेज। तो ये जो क्वेश्चन है इसको हम लोग दो तरीके से कर सकते हैं, एक तो ग्राउंड फ्रेम में भी कर सकते हैं और एक नॉन इनर्शियल फ्रेम जो कि यहां पर वेज होगा, वेज के रेस्पेक्ट में इस क्वेश्चन को सोल्व कर सकते हैं। तो सबसे पहले मैं इसको ग्राउंड फ्रेम में सोल्व करके दिखाता हूं विथ रेस्पेक्ट टू ग्राउंड। ग्राउंड फ्रेम में देखेंगे तो अगर ये वेज ए एक्सेलरेशन से जा रहा है तो ये जो ब्लॉक है ये भी ए एक्सेलरेशन से जा रहा होगा, क्यों, क्योंकि इसके ऊपर ये स्लिप नहीं कर रहा, इसके साथ में चल रहा है, इसके रेस्पेक्ट में स्टेशनरी है, तो दोनों साथ में जा रहे होंगे, कहने का मतलब ये हुआ, ठीक। तो ये जो ब्लॉक है ये खुद ए एक्सेलरेशन से जा रहा है, तो इस पर फोर्सेज कौन कौन से लग रहे हैं, एक तो नीचे लग रहा होगा mg और एक नॉर्मल फोर्स लगेगा इधर, जिसके दो कंपोनेंट आएंगे, एक तो ऊपर की तरफ और एक इधर। अगर ये एंगल थीटा है तो ये एंगल भी थीटा आएगा, वर्टिकल और नॉर्मल के बीच का एंगल थीटा होता है, यहां से भी देख सकते हैं ये थीटा है, ये 90 है, ये 90 माइनस थीटा है तो ये थीटा होगा क्योंकि ये 90 डिग्री का एंगल है टोटल, है ना, ये थीटा, ये 90 माइनस थीटा, फिर ये थीटा, और ये थीटा होगा तो ये भी थीटा हो जाएगा। तो इस नॉर्मल को मैं रिजोल्व करूंगा किधर, एक्सेलरेशन के पैरेलल और उसके परपेंडिकुलर, तो नॉर्मल का हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट आएगा एन साइन थीटा
और वर्टिकल कंपोनेंट आएगा एन कॉस थीटा. ठीक, तो वर्टिकल इक्विलिब्रियम है क्योंकि ये इधर इसके पास कोई एक्सेलरेशन नहीं है वर्टिकल डायरेक्शन में, तो ये कहा जा सकता है कि ऊपर की तरफ एन कॉस थीटा और नीचे की तरफ एम जी, ये दोनों इक्वल होंगे तभी वर्टिकल इक्विलिब्रियम है. लेकिन हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में इसके पास एक्सेलरेशन है, तो कुछ ना कुछ नेट फोर्स लग रहा है जो कि एन साइन थीटा है ना. तो एन साइन थीटा है इज इक्वल टू होना चाहिए मास इंटू एक्सेलरेशन, इस फोर्स की वजह से इसको एक्सेलरेशन मिल रहा है. अगर मैं इन दोनों का रेशियो निकालूं, इसको मैं ऊपर वाले इक्वेशन से डिवाइड कर देता हूं है ना, तो आप देखेंगे कि नॉर्मल एन कैंसिल हो गया, एम एम कैंसिल हो गया, तो ये हो जाएगा टैन थीटा इज इक्वल टू ए बाई जी, यानी ए इज इक्वल टू जी टैन थीटा. ठीक, तो ये क्वेश्चन को हमने सोल्व किया ग्राउंड के फ्रेम में. इसी क्वेश्चन को हम लोग सोल्व कर सकते हैं विथ रेस्पेक्ट टू वेज नॉन इनर्शियल फ्रेम में. जैसे कि ये ब्लॉक है एम मास का है ना, इस वेज के ऊपर मैं एक ऑब्जर्वर बैठा देता हूं. ठीक, ये जो ऑब्जर्वर है वो इस वेज के ऊपर होगा, तो अगर वेज ए एक्सेलरेशन से जाएगा तो ये ऑब्जर्वर भी ए एक्सेलरेशन से जाएगा. हमें पता है कि अगर ऑब्जर्वर एक्सेलरेटेड है तो वो नॉन इनर्शियल ऑब्जर्वर होता है. अब जब भी नॉन इनर्शियल ऑब्जर्वर किसी ऑब्जेक्ट को देखता है तो एक स्यूडो फोर्स लगाना पड़ता है ताकि जो है न्यूटन्स लॉ वैलिड किया जा सके. तो इस ऑब्जर्वर के रेस्पेक्ट में इसका फ्री बॉडी डायग्राम बनाएंगे. क्या आएगा, नीचे आएगा इसका mg, इधर आएगा नॉर्मल जैसा पहले आया था, एक एक्स्ट्रा फोर्स आएगा जिसको हम लोग कहते हैं स्यूडो फोर्स. स्यूडो फोर्स ऑब्जर्वर के एक्सेलरेशन के अपोजिट डायरेक्शन में आता है, यह आएगा मास इंटू एक्सेलरेशन ऑफ नॉन इनर्शियल ऑब्जर्वर. यहां पर हम लोग क्या करेंगे, चूंकि ये थीटा है तो नॉर्मल को मैं रिजोल्व करूंगा, नॉर्मल को रिजोल्व करूंगा. जैसे यहां बताया था ये एंगल थीटा आ जाएगा, तो एन का एक कॉम्पोनेंट आएगा इधर एन साइन थीटा और वर्टिकल डायरेक्शन में आएगा एन कॉस थीटा. ठीक, यहां पर ग्राउंड फ्रेम में देखा गया था, तो ग्राउंड फ्रेम में ये जो ब्लॉक है वो इधर भागता हुआ दिखेगा, इधर एक्सेलरेशन से जाता हुआ दिखेगा. लेकिन यहां पर हम लोग वेज के फ्रेम में देख रहे हैं, वेज के रेस्पेक्ट में देख रहे हैं, तो वेज पर बैठा ऑब्जर्वर देखेगा तो चूंकि ये ब्लॉक इसके रेस्पेक्ट में स्टेशनरी है ना, यानी वो स्लिप नहीं कर रहा है, इस पर इसके साथ में जा रहा है, तो इन दोनों के बीच का जो गैप है वो चेंज नहीं होगा. चेंज नहीं होगा तो इसके लिए ब्लॉक स्टेशनरी है. इसके लिए ब्लॉक स्टेशनरी है तो ये जो क्वेश्चन है इक्विलिब्रियम का क्वेश्चन है ना. वहां पर हमने इक्विलिब्रियम मान करके नहीं सोल्व किया था, वहां पर हमने एक्सेलरेशन मान करके सोल्व किया था, क्योंकि इस ऑब्जर्वर को ये एक्सेलरेटेड दिख रहा था, यहां पर इस ऑब्जर्वर को ये स्टेशनरी दिखेगा. चूंकि स्टेशनरी दिख रहा है इसलिए ये इक्विलिब्रियम का सवाल है, तो इक्विलिब्रियम में नेट फोर्स जीरो करना होता है. हम लोग करते हैं, जैसे हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में एन साइन थीटा और ये स्यूडो फोर्स इक्वल हो जाएंगे, एन साइन थीटा इज इक्वल टू एम ए, और वर्टिकल डायरेक्शन में एन कॉस थीटा इज इक्वल टू एम जी. तो ये दो इक्वेशन जैसे वहां आए थे एग्जैक्टली यहां भी वही दो इक्वेशन आए हैं. इनको हम लोग अगर डिवाइड कर देंगे तो एन एन कैंसिल एम एम कैंसिल, तो टैन थीटा इज इक्वल टू ए बाई जी, यानी ए इज इक्वल टू जी टैन थीटा. तो ये एक्सेलरेशन का वैल्यू आएगा, देखेंगे ऑप्शन डी जो है यहां पर ए इज इक्वल टू जी टैन थीटा दिया हुआ है, तो ये करेक्ट ऑप्शन है. इसके बाद अगले सवाल पर आते हैं. अगले सवाल में पूछा गया द मोमेंट ऑफ द फोर्स. जैसा कि हम लोग जानते हैं कि मोमेंट ऑफ फोर्स का मतलब होता है टॉर्क, तो यहां पर एक फोर्स जो है वेक्टर फॉर्म में दिया गया है. कहा गया कि फोर्स जो है कहां पर एक्ट कर रहा है, इट इज एक्टिंग एट पॉइंट 2, 0, -3 एंड वी हैव टू फाइंड द मोमेंट ऑफ द फोर्स अबाउट द पॉइंट 2, -2, -2 है ना. एक बार पढ़ते हैं फिर से, द मोमेंट ऑफ द फोर्स एफ इज इक्वल टू 4i cap + 5j cap - 6k cap एट पॉइंट 2, 0, -3 अबाउट द पॉइंट 2, -2, -2 इज गिवन बाय. तो सबसे पहला काम हमें हमारा ये होगा कि एक पॉइंट है जहां पर ये फोर्स लग रहा है ना, इसको कहा जाता है पॉइंट ऑफ एप्लीकेशन, जो कि है 2, 0, -3 और एक पॉइंट होता है अपना एक्सिस, जिस पॉइंट के अबाउट हमें मोमेंट या टॉर्क फाइंड करना है. तो ये जो पॉइंट है वो एक्सिस है, उसका कोऑर्डिनेट दिया गया है 2
कॉमा माइनस टू कॉमा माइनस टू, ठीक। तो ये एक्सिस हो गया, ये पॉइंट ऑफ लोकेशन है, तो अपना आर वेक्टर ये होता है ना। तो जब टॉर्क हम लोग फाइंड करते हैं तो निकालते हैं आर क्रॉस एफ, इसमें से आर कौन सा आएगा, ये वाला वेक्टर आएगा। इस वेक्टर को, आर वेक्टर को फाइंड करने के लिए हम लोग क्या करेंगे, इसमें से इसके कोऑर्डिनेट्स को माइनस करेंगे। तो 2 माइनस टू जीरो आई कैप, 0 माइनस माइनस टू यानी प्लस 2 जे कैप, माइनस 3 माइनस माइनस टू यानी माइनस के कैप, ये हो गया आर वेक्टर। और फोर्स दिया ही है तो यहां पर आर क्रॉस एफ निकालना है, आर का वैल्यू हो गया 2 जे कैप माइनस के कैप क्रॉस, फोर्स दिया गया है 4 आई कैप प्लस 5 जे कैप माइनस 6 के कैप, ठीक। तो यहां पर टॉर्क की वैल्यू फाइंड करने के लिए हम लोग मैट्रिक्स मेथड यूज कर सकते हैं। क्रॉस प्रोडक्ट फाइंड करने का एक तरीका होता है जिसमें सबसे ऊपर वाले रो में रखते हैं आई कैप जे कैप के कैप, फिर जो पहला वेक्टर है आर, इसके जो है कॉम्पोनेंट रखेंगे जैसे 0 2 माइनस 1 0 2 माइनस 1, फिर एफ के जो कॉम्पोनेंट्स है वो रखेंगे 4 5 और माइनस 6 जैसा यहां दिया गया है। अब इसकी वैल्यू निकालते हैं, तो आई कैप ये कॉलम लेंगे और ये रो लेंगे, क्रॉस मल्टीप्लाई करते हैं तो आएगा माइनस 12 और माइनस ऑफ 5 इंटू माइनस 1 यानी प्लस 5, फिर माइनस जे कैप, जे कैप लेते हैं तो ये कॉलम छोड़ देते हैं, ऊपर वाला रो छोड़ देते हैं, ऐसे मल्टीप्लाई करेंगे तो आएगा 0 माइनस माइनस प्लस 4 प्लस के कैप। के कैप लेने का मतलब है कि लास्ट वाला कॉलम जो है छोड़ेंगे, ऊपर वाला रो छोड़ेंगे, तो ऐसे मल्टीप्लाई करेंगे तो आएगा 0 माइनस 4 इंटू 2 8 हो गया है ना। तो ये देख सकते हैं कि ये आएगा माइनस 7 आई कैप, ये आएगा माइनस 4 जे कैप और माइनस 8 के कैप है ना। ये आया, अब देख सकते हैं कि जो ऑप्शन डी है एग्जैक्टली इतना आया है, माइनस 7 आई कैप माइनस 4 जे कैप माइनस 8 के कैप, तो ऑप्शन डी जो है वो सही आंसर है इसका। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं जो कि एरर एंड मेजरमेंट का सवाल है और स्क्रू गेज का जो कॉन्सेप्ट होता है उससे रिलेटेड है। कहा गया स्टूडेंट मेजर्ड द डायमीटर ऑफ ए स्मॉल स्टील बॉल यूजिंग अ स्क्रू गेज ऑफ लिस्ट काउंट 0.001 सेंटीमीटर, द मेन स्केल रीडिंग इज 5 मिलीमीटर एंड जीरो ऑफ सर्कुलर स्केल डिवीजन कॉन्साइड्स विथ 25 डिविजन्स एबव द रेफरेंस लेवल, है ना। मतलब ये सर्कुलर स्केल की रीडिंग हुई 25 डिविजन्स है ना, और मेन स्केल की रीडिंग हुई ये 5 मिलीमीटर। अब आगे कहा गया इफ स्क्रू गेज हैज अ जीरो एरर ऑफ माइनस 0.004 सेंटीमीटर द करेक्ट डायमीटर ऑफ द बॉल इज, तो हमें पता है कि स्क्रू गेज से जो हम लोग लेंथ मेजर करते हैं, जो डायमीटर मेजर करते हैं, उसको कुछ इस तरह से उसकी वैल्यू फाइंड किया जाता है। एक तो आएगा मेन स्केल रीडिंग प्लस सर्कुलर स्केल रीडिंग और माइनस जीरो एरर, है ना। सर्कुलर स्केल रीडिंग में लिस्ट काउंट से हमें जो है वो मल्टीप्लाई करना पड़ेगा और माइनस जीरो एरर, ठीक। तो मेन स्केल रीडिंग जो है वो 5 मिलीमीटर दिया गया है, इसको जब सेंटीमीटर में कन्वर्ट करेंगे, क्योंकि यहां पर ऑप्शन सेंटीमीटर में दिए गए हैं, तो ये हो जाएगा 0.5 सेंटीमीटर प्लस सर्कुलर स्केल रीडिंग जो है वो 25 है और लिस्ट काउंट जो है सेंटीमीटर में दिया हुआ है 0.001 सेंटीमीटर माइनस जीरो एरर जो है ना। जीरो एरर यहां पर माइनस इसलिए किया जाता है क्योंकि हमें पता है कि मतलब थोड़ा सा एक्स्ट्रा रीडिंग बता रहा है। जब जो है कोई भी ऑब्जेक्ट हमने स्क्रू गेज के जो दो जॉ होते हैं उनके बीच में नहीं रखा है तब भी कुछ रीडिंग बता रहा है, वो जीरो एरर होता है ना। तो वो हम लोग पॉजिटिव मान करके चलते हैं। इसमें ऐसा है कि जीरो से कम वैल्यू बता रहा है, निगेटिव में बता रहा है, तो ये हो जाएगा माइनस ऑफ माइनस 0.004 सेंटीमीटर, है ना। ये हो गया।
अब इसकी वैल्यू फाइंड करेंगे तो ये आएगा 0.5 और ये हो जाएगा प्लस 0.025 प्लस 0.004 टोटल ये आ गया सेंटीमीटर में, तो 0.529 सेंटीमीटर जो है ये इसका डायमीटर का रीडिंग आएगा, जो कि यहां पर देखेंगे ऑप्शन डी में दिया गया है ना, तो ऑप्शन डी जो है यहां पर करेक्ट ऑप्शन है। इसके बाद अगला सवाल आते हैं जो कि रोटेशन का सवाल है। कहा गया सॉलिड स्फीयर इज रोटेटिंग फ्रीली अबाउट इट्स सिमेट्री एक्सिस इन फ्री स्पेस, द रेडियस ऑफ द स्फीयर इज इंक्रीज्ड कीपिंग इट्स मास सेम, विच ऑफ द फॉलोइंग फिजिकल क्वांटिटीज वुड रिमेन कॉन्स्टेंट फॉर द स्फीयर, है ना। तो स्फीयर का रेडियस केवल चेंज किया जा रहा है, तो इनमें से कौन सी क्वांटिटी जो है वो चेंज नहीं होगी हमें बताना है। तो हमें पता है जैसे रोटेशनल काइनेटिक एनर्जी की बात करें तो रोटेशनल काइनेटिक एनर्जी लिखा जाता है हाफ आई ओमेगा स्क्वायर, मोमेंट ऑफ एनर्शिया जो है उसको लिखा जाता है सॉलिड स्फीयर है तो यह आएगा 2/5 mr स्क्वायर, एंगुलर वेलोसिटी जो है देख सकते हैं और एंगुलर मोमेंटम होता है आई इंटू ओमेगा, ठीक। तो रेडियस चेंज करने से मोमेंट ऑफ एनर्शिया चेंज हो जाएगा, मोमेंट ऑफ एनर्शिया चेंज होगा तो काइनेटिक एनर्जी भी चेंज होगा ये वाला, तो ये दोनों तो चेंज हो जाएंगे। अब आते हैं इन पर, क्योंकि इसमें जो रेडियस इंक्रीज हो रहा है ये बताया नहीं गया कि बाहर से कोई फोर्स लग रहा है, वो हो सकता है इंटरनल किसी मैकेनिज्म से उसका रेडियस चेंज किया जा रहा होगा। तो जब तक कोई एक्सटर्नल फोर्स एक्सटर्नल टॉर्क नहीं लगता है तब तक एंगुलर मोमेंटम जो है वो कंजर्व रहता है ना, अगर एक्सटर्नल टॉर्क जीरो हो, जो कि इस गिवन कंडीशन में ऐसा लग रहा है कि एक्सटर्नल टॉर्क नहीं है, है ना। तो एक्सटर्नल टॉर्क जीरो होता है तो उस केस में एंगुलर मोमेंटम जो है ये कॉन्स्टेंट रहता है, तो एंगुलर मोमेंटम यानी कि आई इंटू ओमेगा ये कॉन्स्टेंट हो जाएगा। अब हमें पता है कि आई तो यहां पर चेंज हो रहा है क्योंकि आर चेंज हो रहा है, आई चेंज होगा तो ओमेगा भी चेंज होगा, है ना, क्योंकि आई इंटू ओमेगा यानी इसका इसका प्रोडक्ट कॉन्स्टेंट रखना है, एक चेंज होगा तो दूसरा भी चेंज होगा, एक बढ़ेगा तो दूसरा घटेगा, पहला घटेगा तो दूसरा बढ़ेगा, ताकि प्रोडक्ट कॉन्स्टेंट रहे। तो प्रोडक्ट कॉन्स्टेंट है लेकिन ये दोनों चेंज हो रहे होंगे, है ना, क्योंकि रेडियस बढ़ रहा है तो मोमेंट ऑफ इनर्शिया बढ़ रहा होगा तो ओमेगा घट रहा होगा, तो ये भी चेंज हो रहा होगा, केवल एंगुलर मोमेंटम है जो कि कॉन्स्टेंट रहेगा। तो जो सही ऑप्शन है वो ये डी वाला ऑप्शन यहां पर होगा।